लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जोरों शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते और उन्हें संबोधित करते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा और सवाल किया कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर सही किया या नहीं किया। इस दौरान उन्होंने सरकार गिराने की वजह भी बताई। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना कहा कि अगर मैं सरकार नहीं गिराता तो लाडली बहनों के पैसे, किसान निधि के पैसे, आवास के पैसे छोटा भाई और मोटा भाई की जेब में चले जाते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बयान गुना के बमोरी में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। बमोरी विधानसभा में बूथ समिति सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुझे आभास हो रहा है कि हम सब बड़े फील गुड मूड में हैं। अति आत्मविश्वास का माहौल है कि हम जीत ही रहे हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास में ना रहे। सबसे खतरनाक ये अति आत्मविश्वास का वातावरण, भय का वातावरण होना जरूरी है। जब भय होता है तो व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है। इस दौरान उन्होंने बमोरी और उमरी में बमोरी विधानसभा में चार मंडल की बूथ समितियों की बैठक ली और अब की बार 400 पार के नारे को यथार्थ करने के लिए कमर कसने को कहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा क्षेत्र में मयाना, सिरसा, बमोरी और फतेहगढ़ मंडल के अंतर्गत पोलिंग बूथ समितियों के सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह बूथ नहीं आपका किला है, आप कार्यकर्ता नहीं बल्कि सेनापति हैं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विश्वगुरु बनाने के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए हाथ मजबूत करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।